बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड कस्टर्ड की रेसिपी। इसे बनाना बेहद ही आसान है, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो दूध, 8 ब्रेड, 2 बड़ा चम्मच चीनी और 3 चम्मच कस्टर्ड वनीला पाउडर। अब हमें दूध को अच्छी तरह से उबालना है। जब तक इसमें उबाल आती है, हम ब्रेड को राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब हम इसे एक गिलास की मदद से काट कर इसे बीच से निकाल लेंगे। अब हम सभी स्लाइसेस को इसी तरह से काट काट कर निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं सारे ब्रेड को काट कर तैयार कर ली हूँ। ये देखिए, दूध में अच्छी तरह से उबाल आ चुकी है। अब हम इसमें चीनी को डालकर इसे 5-7 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब हम कस्टर्ड में थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसे हम डायरेक्ट उबलते हुए दूध में नहीं डालेंगे, क्योंकि लम्स पड़ सकती है, तो हम इसका घोल बनाकर पहले तैयार करेंगे। ये देखिए, घोल तैयार है। अब हम इसे दूध में मिक्स करेंगे। इसे उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कस्टर्ड का घोल इस तरह से मिलाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। इसे हम दूध में सिर्फ 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, क्योंकि ये दूध में जाने के बाद गाढ़ा होना शुरू हो जाती है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब एक प्लेट में हम थोड़ा कस्टर्ड को निकालेंगे। अब उसमें हम ब्रेड को इस तरह से डिप करेंगे। अब इसके ऊपर हम फिर कस्टर्ड को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से ढकेंगे। फिर ब्रेड को रखेंगे। और उसे कस्टर्ड से इस तरह से ढक लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब इसे 1-1.5 घंटे के लिए हम फ्रीजर में ढक कर रखेंगे। 1-1.5 घंटे बाद हम इसका टेक्सचर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसे फ्रीज में रखे हुए पूरे 1 घंटे हो चुके हैं। आप इसका टेक्सचर अब देख सकते होंगे। ये बड़े मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और कैसी लगी आज की ये हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आसान और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।